अपराधी चाहे कितनी ही सफाई से कितने ही शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम दे, लेकिन कानून के लंबे हाथों से कभी बच नहीं पाता। बीते 27 अक्टूबर यानी करवा चौथ की शाम वैली व्यू सोसाइटी की 8वीं मंजिल से गिरी विवाहिता के संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने मृतका 32 वर्षीय दीपिका चौहान के पिता की शिकायत पर दीपिका के पति विक्रम चौहान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। जब तफ्तीश शुरू की गई तो इस सनसनीखेज वारदात से पर्दा उठा चला गया। पुलिस ने जहां हत्यारोपी विक्रम चौहान को पहले ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था, वहीं इस मामले में पति पत्नी और वो यानी विक्रम चौहान की प्रेमिका की मामले में षड्यंत्र रचने के तहत गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो पुलिसिया तफ्तीश और पूछताछ में हत्यारोपी विक्रम चौहान के लैपटॉप और मोबाइल को कब्जे में लेकर जब जांच शुरू की गई तो व्हाट्सएप चैट के साथ साथ मेल में भी दीपिका चौहान, जो कि निजी बैंक में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थी, की हत्या की साजिशों का खुलासा हुआ। दरअसल विक्रम दीपिका को हत्या को हादसा साबित करना चाहता था। सर, डीएलएफएस 1 में वैल्यू व्यू सोसाइटी के अंदर जो 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई थी सर, उसमें कुछ खुलासा हुआ है सर? क्या है सर वो खुलासा? गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन जो डीएलएफएस 1 है, उसमें 27 अक्टूबर की शाम लगभग 8:30 बजे एक महिला जो वैल्यू व्यू सोसाइटी में एक फ्लैट में रहती थी, जो एक निजी बैंक में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थी, जो 8वीं मंजिल से गिरकर घायल हो गई थी और जिसके बाद में एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी, उसकी मृत्यु के उपरांत मृतका के फादर के बयान के ऊपर उसके पति के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया और जिसमें पति को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पाया गया कि उसके पति और उसकी प्रेमिका ने प्लान बनाकर उसकी जो है ना ये हत्या की है, और इससे पूर्व भी ज्ञात हुआ है कि उन्होंने पहले भी प्लान इसकी हत्या का बनाया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। कहाँ पे हत्या का प्लान बनाया था सर? ये जो अभी ज्ञात हुआ है, नैनीताल साइड ज्ञात हुआ है और जिस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, इसमें ये भी बात सामने आई थी कि मोबाइल से कुछ गुड़गांव पुलिस को क्लू मिला है, फिर मेल से कुछ क्लू मिला, ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम इसकी जांच कर रहे हैं। ठीक है सर। जो आरोपी महिला गिरफ्तार की गई है सर, वो कौन है, क्या पहचान है सर उसकी? जो मृतका के पति हैं वो विक्रम चौहान गिरफ्तार हुए हैं और जो दूसरी उसकी साथी थी वो सैफाली नाम की युवती जो है ना वो गिरफ्तार की गई।